गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, वीडियो 62, एक्सरसाइज 2C, टिक द करेक्ट आंसर, यानी 0.000463 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑप्शन नंबर 1 463 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 7, 4.63 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 5, 4.63 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 9, 4.63 मल्टीपल 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसका आंसर तो होगा बी नंबर, यह सही है। इसको सॉल्व करते हैं, 0.000463। तो यहाँ दशमलव के बाद में आप गिनिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो उतना बटा 10 का पावर 7 हो जाएगा, यानी 463 बाई 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, यानी 4.63 मल्टीपल 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 स्क्वायर कर देंगे बटा 10 का पावर 7। जब बेस इक्वल हो, डिवाइड हो, तो पावर को घटाते हैं, यानी 4.63 मल्टीपल 10 का पावर 5 हो जाएगा। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, 0.000367 मल्टीपल 10 टू द पावर 4 इन यूजुअल फॉर्म इज, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3.67, बी हो जाएगा 36.7, सी हो जाएगा 0.367, डी हो जाएगा 0.0367। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 3.67। कैसे, 0.000367 मल्टीपल 10 टू द पावर 4 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 367 हो जाएगा, पावर हो जाएगा 10 का पावर 6, दशमलव के बाद में 10 डिजिट है, गुना 10 का पावर 4 है। अब इसको हम पावर को माइनस कर लेते हैं, 367 गुना 10 का पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 367 बटा 10 का पावर स्क्वायर हो जाएगा बटा में, यानी 367 बाई 100 हो जाएगा, यानी 3.67 हो जाएगा। इस तरह अब टेस्ट पेपर यह समाप्त हो गया। अब टेस्ट पेपर 2 में अब शुरू हो रहा है, इवैल्यूएट 3 का पावर माइनस 4। अगर बेस पे कोई पावर माइनस लगा हो तो सबसे पहले बेस को उलटते हैं, यानी 1/3 का पावर 4 हो जाएगा, और इसको 4 बार मल्टीपल करेंगे तो 1/81 आ जाएगा। तो -4 का पावर 3 है, यानी -4 × -4 × -4 = 64 माइनस में, यानी -64 इसके आंसर आ जाएगा। इसका 3/4 का पावर -2, तो 4/3 हो जाएगा, कहे कि पावर माइनस में है, तो इसको बेस को उलटेंगे तो पावर हट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, 4/3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 4² / 3², यानी 16/9 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद -2/3 का पावर -5, -2/3 का पावर -5, तो इसको हम करते हैं 3/-2 का पावर 5 हो गया, माइनस हटाने के लिए बेस को उलट दिए, तो इसको भी 5 बार करेंगे, 3 को 5 पावर 5 हो गया, -2 का पावर 5 हो गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा क्या मेरा 243/32, यानी कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में नेगेटिव -243/32 इसका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 to the power 5 by 7 का power 0 यूजिंग द प्रॉपर्टी a/b का power 0 = 1, यानी हम किसी भी बेस पर अगर पावर 0 डाल दे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका वैल्यू उसका 1 हो जाता है। अगर 100 का पावर भी 0 होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 945 कुछ का पावर, यानी एनी डिजिट ऑफ टू द पावर 0, यानी किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 हो गया, उसका आंसर 1 हो जाता है। सो 5/7 power 0 = 1, मैथ फोर क्लास एट। आज का मेरा वीडियो नंबर 62 है,
और इतना ही तक रहेगा, फिर नेक्स्ट